क्वेश्चन नंबर 10 को पहले अच्छी तरह से रीड करेंगे और उसके बाद बताएंगे। ये इंटरवल्स फाइंड करने को कह रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जब इंक्रीजिंग फंक्शन इसमें इंटरवल क्या होगा इंक्रीजिंग वाले में, फिर डिक्रीजिंग अच्छा, वाले में इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या होगा, तो फटाफट आप फाइंड आउट कर दीजिए। इंटरवल कैसे सर, मतलब इंटरवल का मतलब कहां से कहां तक की वैल्यू है। ठीक है, हाँ जी सर, पहले इसका वो डिफरेंशिएशन कर लेना सर। जी सर, ये कर लिया डिफरेंशिएशन, इसके आगे बताना। जी, सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आया। 2x-4। 2x-4। इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करोगे, 0 से बड़ा होना चाहिए। 4 इंक्रीजिंग, इसका मतलब 2x-4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हाँ जी सर, और इसका मतलब यह भी है कि 2x ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। हाँ जी, और इसका मतलब यह भी है कि x ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। हाँ जी सर, अब आप क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, इसमें 1.2 मार्क करेंगे और 2 से बड़ी वैल्यू, मतलब ये वाला रीजन आपका आंसर आ गया। इधर प्लस इंफिनिटी लिखेंगे और यहां पे माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, हाँ जी सर, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 2 to infinity, फर्स्ट केस का आंसर। हाँ जी, बी केस का बात करते हैं। सेकंड केस का आप देखो, सर एक्स छोटा होना चाहिए -2 से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसका डिफरेंशिएशन आया है 2x-4, उसको आप लेस देन 0 करेंगे, 2x is less than 4 और x is less than 2 होना चाहिए, तो -2 कहां से लेके आ रहे हो आप। सर साइन चेंज करना भूल गया, ओहो मैं प्लस पार्ट सॉल्व कर दिया। भाई साहब, ये माइनस प्लस ना आपको लेके डूब जाएगा फिर कभी। सर जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दे पाता हूँ। किस चीज की जल्दी है, चौके पे बैठना है। नहीं सर, चौके, ये समझते हो उसका क्या मीनिंग होता है चौके पे बैठने का, क्या होता है सर, अब बताओ आपके इधर क्या मीनिंग निकलता है इसका। कोई मतलब ऐसे लकड़ वाला एक टेबल होता है, ओ नहीं यार, अच्छा ठीक है, उसके बाद उसमें बैठना होगा सर, पता नहीं मेरे को। अरे वो वही चीज होता, देखो वो होता क्या ना, कुछ शादी ब्याह में ना ये रस्म होता है, ठीक है। हाँ जी सर, तो वही कुछ है जो आप कह रहे थे कि लकड़ी वाला वो टेबल या जो भी होता है उस पर बैठा जाता है। हाँ जी सर, आपके इधर तो वो कहते हैं ना सर, चुन्नी चढ़ा के लाना, क्या कहते हो आप। सर डोली, डोली नहीं कहते यार, डोली तो वो एक तरह से हिंदी वर्ड हो गया, पंजाबी में तो पता नहीं रहता, हिंदी पंजाबी में में चुन्नी कहते हैं, चुन्नी कहते हैं, हमसे पूछो ना। हाँ जी सर, चुन्नी चुन्नी चढ़ा के ले आना। चलो अब इसको इसको कंप्लीट कर दो। ये हो गया सर, ये x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से 2 तक। 2 तक। अच्छा अब यहाँ पे ये भी समझ लो, ये जो ब्रेकेट ऐसे है कई बार ऐसे डलेगा, इन सब का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली चार टाइप का ब्रेकेट होता, राइट। हाँ जी सर, एक होता है ओपन ब्रैकेट, इसको कहा जाता है ओपन ब्रैकेट। हाँ जी सर, इसके अंदर अगर ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ना तो ए लेना है ना तो बी लेना है, ए से बी तक के सारी वैल्यूज को लेना है।
जी सर ठीक है, ना तो हमें ए लेना है ना तो बी लेना है, ए से बी तक के सारी वैल्यूज को लेना है, ए और बी के बीच की। अगर ए और बी कहीं पे ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ए भी इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है और ए से बी की सारी वैल्यूज भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। हाँ जी सर ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक साइड ओपन आएगा और दूसरी साइड क्लोज आएगा, इसका मतलब ए को नहीं लेना है बी को लेना है और ए से बी के सारी वैल्यूज को तो लेना ही है। हाँ जी सर ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इस साइड क्लोज रहेगा और दूसरे साइड ओपन रहेगा। हाँ जी, इसका मतलब बी नहीं लेना ना सर इसमें। इसमें बी को कंसीडर नहीं करना। हाँ जी सर ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, लिख रहा था। चलो नोट कर लो, कर लिया सर।